हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा एक व्यूअर ने मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड किया है कि उसको बनाना है एक्चुअली एक ऑफिस टेबल, जैसे कि एक इमेज है ये हमको भेजी है, तो इसको हमको बनाना है कैसे 3ds Max में। तो आप देखे होंगे ऐसे टाइप का टेबल, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, बट वो लोग ज़्यादा सिंपल से नहीं दिखा के बहुत ही यूनिक बहुत हार्ड टूल्स दिखा देते हैं, ताकि वो कंफ्यूज में आ जाते हैं व्यूअर लोग। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में दिखाऊंगा, मतलब कि आप बहुत फास्ट बन जाएगा एंड बहुत सिंपल टूल से आप इजीली बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं वो इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करते हैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कोई भी फाइल को, जैसे हम लोग अगर इसको अगर यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होगा कि बहुत सिंपली हम लोग यहाँ से देख के बना सकते हैं। बट अगर यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नहीं जानते हो कैसे लाया जाता है, तो आपको बार बार मिनिमाइज़ फिर मैक्सिमाइज़ ऐसे देख देख के बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मैक्स वाला लोग, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है व्यू इमेज फाइल, इसमें जाके आप यहाँ से इमेज को चॉइस कर सकते हो ये। तो क्या होगा कि आप इजली यहाँ पे रहेगा, आपको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा एंड बहुत फास्ट। इसमें कुछ ज़्यादा कोई टूल्स भी कमांड यूज़ नहीं करना, दिखाएंगे आपको इसी तरीके से कैसे बने वो दिखा देते हैं आपको। ऐसे तो देखा जाए तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, बट मैं आपको सिंपली प्रोसेस दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग मैक्स को ओपन करके पर्सपेक्टिव व्यू में जाके हम लोग बॉक्स ही बनाते हैं सिंपल वे में। आप इसको लाइन से बना सकते हो, या फिर ऑटो कैड में पहले प्लानिंग करके आप यहाँ पे इंपोर्ट करके बना सकते हो, बेंड कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स है इसको बनाने के लिए। तो मैं एक सिंपल से दिखा देता हूँ, एक बॉक्स के लेके एज को ऑन कर लो, उसके बाद मैं इसका साइज़ दे देता हूँ 12। तो मैंने एक साइज़ ले लिया है, उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको फिर चेंजेस भी होगा। तो अभी आप क्या कर लो, इसमें हम लोग दे देंगे सेगमेंट्स देने के बाद हम लोग इसको, हम लोग ऑप्शन में जाएंगे बेंड का, हम लोग इसको बेंड करेंगे एंड इसमें एक ऑप्शन चेंज होगा, एक इसका विथ आई थिंक कम करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेंड कर लेते हैं इसको, मैंने बेंड कर दिया, जेड में नहीं, एक्स में नहीं, हाँ ये होगा एक्स में होगा। तो ये देखिए इस साइड में हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे। तो हम लोग इसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्शन है तो मेरे को इसको रखते हैं 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में करने से कि बहुत अच्छा होगा, मतलब एज ए इधर का नहीं तो फिर इधर से ले सकते। तो हम लोग इस व्यू में रखते हैं इस तरीके से, इसको और थोड़ा सा इतना अधिक लेते लगभग, हाँ इधर से इतना और इधर से इतना, चलो चलेगा, काम चल जाएगा इतना में। एक और चीज़ देखिए दोस्तों, हम लोग जाते फिर से बॉक्स में, इसके अंदर में गैपिंग करना होगा। तो सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा बॉक्स में जाके इसको, ये नहीं ठीक है, हाँ ये हम लोग कम कर लेंगे इतना, क्यों, क्योंकि इसका आउटर पुट बनाए हैं, इसका इनर चीज़ हम लोग अलग से एक्सट्रूड करके बनाएंगे, जैसे इसका आगे का बेस बना दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो इसका सेगमेंट ज़्यादा इतना देना ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम कर सकते हो इसका ये, अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा दे देते हैं इतना, इतना चल जाएगा। फिर आप चले जाओ इस फ्रंट व्यू में और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली एंड ये पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को हम लोग लगभग ले लेते हैं 3 फीट तक, मतलब इतना हाफ ले लो। उसके बाद हम लोग को इस पोर्शन को रखना है और इस पोर्शन को हम लोग को कर देना है अनसेलेक्ट। तो आप अगर कंट्रोल ऑल्ट दबा के प्रेस करोगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। टॉप व्यू में जाके हम लोग को एक ऑप्शन दिखाते हैं, इसमें से इसमें जाइएगा एंड लास्ट वाला ऑप्शन, इसको ऑन करके एंड ऑल्ट दबा के बाहर का पोर्शन को सब को आप अनसेलेक्ट कर लो, ठीक है। देखो बहुत जल्दी हो गया, फास्ट, बस फिर से वही टूल्स सेलेक्ट कर लेते हैं
रेक्टेंगुलर। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सट्रूड, यहाँ से एक्सट्रूड कर देंगे। बट ये देखो ये इसका शेप इज मतलब ऐसे है। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे जाके लोकल नॉर्मल, तो आपको इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि जैसे देखा जाए तो बेस है, ये आपको यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा या जो भी फाइल्स वगैरह लगाना वो भी लगाएंगे, अभी सिखाएंगे आपको सब चीज़। सबसे पहले इतना कर लेते हैं, लगभग 20 इंची तक, 18 इंची तक चलेगा, 18 इंची तक तो बनता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पोर्शन देखिए अब ऊपर गया, ये पोर्शन नीचे चला गया, तो हम लोग इसको आगे कर लेंगे। मतलब इसका लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग फिर से वही करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग वो टूल्स यूज़ नहीं करेंगे तो पूरा नीचे से चला जाएगा। हम लोग थोड़ा सा कम है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं नॉर्मली क्लिक कर करके। अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चन होगा तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। कोई भी दिक्कत होएगा तो आप मेरे ग्रुप में भी आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर में आपको लिंक में दे दूँगा। इसके बाद आप इसको कर दीजिए एक्सट्रूड, इतना बस चलेगा। अब इसमें ग्लास भी लगाना है। ग्लास लगाने से पहले यहाँ पर ग्लास लगा ही लेते हैं, एंड ये थोड़ा सा थिकनेस है इसमें देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सब जो काम है बेसिकली एक्सट्रूड का ही काम है, पॉलीगन एक्सट्रूड। आप पॉलीगन एक्सट्रूड, उसके बाद आपका वर्टेक्स, ये सब कमांड जो पॉली है आपका जो कन्वर्ट पॉलीगन में आता है, आप कोई भी मॉडल बना सकते हो इसमें बहुत इजी तरीके से मैक्स में। चलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं सिलेंडर, इसको ऑटो ग्रिड को ऑन करके, एंड इसको आप यहाँ से जाके फिर टॉप व्यू में चले जाइए। टॉप व्यू से थोड़ा सा स्केल कर लो, एंड इसको अपना जगह पे बैठा सकते हो शिफ्ट दबा के। इसमें आई होप 3 है, 3 वैक्यूम देना होगा ग्लास का सपोर्टिंग के लिए, ताकि वो गिरे ना जल्दी। चलेगा। उसके बाद एक ग्लास बनाना है। देखो ग्लास भी इसी तरीके से बनेगा, एंड एक बॉक्स ले लो फिर से, एक और तरीका है बहुत इजी दिखाता है, इसमें तो टाइम लग जाएगा आपको। ये जो बना हुआ इसी से बन सकता है, कैसे, पॉलीगन तो किया हुआ ऑलरेडी, सबको सिलेक्ट कर लो, एंड हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये पोर्शन कॉपी हो जाएगा, एंड इसको स्केल कर देंगे, हो गया सिंपल। इतना जरूरत नहीं करना पड़ा कुछ ज़्यादा खास, इसको उठा दिए। इसमें दोनों मंत्र हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दोनों, ये दोनों का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इसको रखते हैं फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट, इसको बंद करके इसको सेल कर देंगे, क्योंकि ये थिकनेस डालना होगा ना, थिकनेस डाल दिए। थोड़ा सा ग्लास में होता है, इतना नहीं होता है, mm में आता है ग्लास, चलेगा। अब क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, साइज देखिए इससे थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिए,
ये ऑब्जेक्ट यहाँ है एंड इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे ठीक करेंगे। आप चले जाओ हैक में, इफेक्ट प्रेफरेंसेस जाओ, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, बस इसको फिर बंद करके एंड इसको आप स्केल कर सकते हो थोड़ा सा, इससे छोटा है बट एक प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा बाहर की तरफ है एंड एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा ये सॉफ्टनेस या इसको शैम्फर किया हुआ है, शैम्फर करेंगे कि कॉर्नर को ज़्यादा शार्प नहीं रहना चाहिए, ग्लास ग्लास हमेशा शार्प रहता नहीं है, इसको शैम्फर करने से ठीक हो जाएगा। हाँ इतना नहीं, इसको बस अब एक और इसके ऊपर है तो मैं उसको बाद में दिखाता हूँ, पहले इसका ये सब चीज़ ठीक कर देते हैं, अंदर में भी सब चीज़ होएगा। तो अब यहाँ पे एक देखिए एक बॉक्स करके दिया हुआ है पूरा यहाँ तक, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सिलेक्ट करके हम लोग एक ही बॉक्स से बनाएंगे, मतलब बार बार हम लोग बॉक्स लेने जरूरत है, सब जितना भी काम दिखा रहे हैं सब पॉलीगन से ही दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम लोग पॉलीगन से बहुत चीज़ बना सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो पॉलीगन से नहीं बनेगा। हम लोग उल्टा बना दिए, सॉरी हम लोग इधर बनाना था। माइनस दैट्स इट, इस टाइप का। हाँ उसके बाद एक कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना के यहाँ पे रहेगा, इसमें सेगमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा बाबा, सेगमेंट को सबको कम करके इसको ठीक है। कन्वर्ट डिजिटल पॉली पॉलीगन इंसेट, हल्का सा इंसेट रहेगा। उसके बाद एक्सट्रूड थोड़ा सा, अब इसका बनाएंगे हम लोग बेस, बहुत चीज़ बना सकते हो जैसे मन करे वैसे, जैसे मैं एक सिंपल सा बनाता हूँ, कर देता हूँ। यस ये इतना बड़ा नहीं रहेगा,
अब सिंपली यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ कर सकते थे बट कोई बात नहीं, पीछे दिखेगा नहीं, हम लोग ऐसे रख लेते हैं। उसके बाद आप आपका टेबल चेयर तो आप बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट एक टेबल बनाया हूँ एंड ये सब मैं दिखा देते हैं मटेरियल पे लगाना, कैसे लगाते हैं मटेरियल। मटेरियल एक्चुअली ये स्टील मटेरियल है तो वो वीडियो में दिखाएंगे, ये वीडियो तो हम कर नहीं रहे। हम आपको जस्ट एक एक मटेरियल डाल देते हैं, जैसे इसमें वाइट कलर का है तो एक ऑप्शन लिए, पूरा वाइट कर दिए इसको, फुल वाइट, एंड नीचे में कलर कलर दे देते हैं। एक्चुअली मैं जिसे मटेरियल बनाया था वीरे में एकदम रियल जैसा फील होगा, हम लोग वीरे में करेंगे कुछ दिन के बाद। हम लोग वैसे फिर जैसे हम लोग किए थे वैसे हम लोग सबको अनसेलेक्ट करेंगे, बट हम लोग टॉप व्यू में जाके ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया अनसेलेक्ट। मटेरियल का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि कैसे हम लोग मटेरियल बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर एक वीडियो में तो सब चीज़ नहीं सिखा सकते हैं, तो मैं उसका अलग अलग ट्यूटोरियल बना देंगे कि कैसे स्टील मटेरियल बनता है, ग्लास मटेरियल एक्सेट्रा। तो मैं इसमें कुछ कलर दे देता हूँ, थोड़ा डीप में ब्राउनिश टाइप में, कुछ डीप ब्राउन में, एंड A4 प्रेस करेंगे तो ये सब दिखेगा नहीं। ये देखिए, एंड हाँ सॉरी, ये एक ग्लास बाकी रह गया और ये ग्लास का मटेरियल बाकी रह गया, तो उसको हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये ग्लास बनाना है, तो हम लोग बेंड का ही हेल्प लेंगे क्योंकि एक और टूल है, बट वो कराने जाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा और उसको मैं चाहता हूँ कि बेसिक से सिखाऊंगा, तो इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। एक जस्ट एक बॉक्स ही बना देते हैं, सेगमेंट दे दो, रिएक्शन कर देंगे 90 डिग्री में एंड टॉप व्यू में आ जाइए। उसके बाद ये जो एंगल है इसको हम लोग डायरेक्शन लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे क्योंकि एडजस्ट तो किए नहीं हम लोग, तो हम लोग पहले इसको ई प्रेस करके दिख लेते हैं ये ठीक आ रहा है कि नहीं। लगभग हम लोग करना, ज़्यादा नहीं करना है, लगभग ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बस। यस, अब हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक इसका थिकनेस ग्लास का, और ये देखिए पूरा में नहीं है, ये हाफ इधर से एंड एक चीज़ और, ये इधर और ज़्यादा गया है, समझ रहे, जैसे इधर में किए थे वैसे इधर में भी करना है हम लोग को, तो वो भी कर लेते हैं। अच्छा पहले इसको कर लेते हैं एंड बॉक्स में जाके हम लोग यहाँ से भी हम लोग कम कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल वे है। एंड और भी कम होएगा, इधर से भी कम होएगा और इधर से भी। अब इसका लगा देते हैं वैक्यूम, हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसका, इसमें लेकिन डबल वैक्यूम लगा हुआ है, देख रहे हैं, नहीं नहीं वही है सेम है। इसको हम लोग कॉपी करके ले आए एंड फिर भी अच्छा नहीं एडजस्ट हुआ है, मैं इसको फिर से करता हूँ। यस ये ठीक है, चलेगा। वो कहाँ गया, थोड़ा सा पतला कर देते हैं बस। अब टॉप व्यू में जाके एडजस्ट कर लेते हैं, 3 दिया हुआ है, हम लोग भी 3 देंगे।
इसके बाद अब दिखाते हैं आपको ग्लास, जैसे ग्लास तो हम लोग बनाएंगे वीरे में तो वो रियल लगेगा, बट इसमें हम लोग बिना विदाउट वीरे हम लोग स्टैंडर्ड में भी दे सकते हैं ग्लास। ग्लास के लिए क्या होता है, उसमें डिफ्यूज़ होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो चीज़ होता है, तो वो वीरे का पार्ट है। बट मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड मटेरियल में, इसमें सिर्फ ओपेसिटी कम करने से आपका वो ग्लास ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। ये देख लो F4 सेगमेंट नहीं दिखेगा, ग्लास का थोड़ा सा आप कलर दे सकते हो, देख रहे हैं। थोड़ा चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो इस टाइप का, बट वीरे में ये पूरा रियल में होता। एंड एक चीज़ और क्या बोल रहे थे, हाँ इधर से भी ये करना होएगा, एंड चेयर हमारी टू वीडियो में है, आप वहाँ से देख के बना सकते हो। चेयर में नहीं बनाता हूँ, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, वो आप करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो इमेज। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ मेरा वीडियो देख सकते हो, अगर तब भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूँगा ख़ास इसी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हम मुझे कमेंट कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम होने से। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो न्यू व्यूअर है, जो आज फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा मेरा अगर कुछ नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो। एंड हमारा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन आपका मई मंथ से, क्योंकि इस मंथ तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना के चलते में, तो ये पोस्टपोन करके आपका मई से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास। तो आप यहाँ पे आकर ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। सो मैं यहीं तक कर सकता हूँ, कुछ भी डाउट हुआ तो मेरे को कमेंट करो या व्हाट्सअप करो, मैं आपको सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख के सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।